हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये है आपके सामने बजाज पल्सर NS 200। सो सबसे पहले मैं आपको इसको फ्रंट से इसकी बात करता हूँ। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ शॉर्ट सा वाइजर प्रोवाइड किया गया है, जो कि ये प्लास्टिक का कुछ इस प्रकार का है। जिस साइड आपको मैट या आपको ग्लॉसी टाइप में कुछ इस प्रकार का आपको लुक प्रोवाइड किया गया है। उसके नीचे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आपको ये बजाज का लोगो प्रोवाइड किया गया है। सो इसके नीचे अगर साइड इसके साइड से अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको हेलोजन के सेटअप में ही आपको हेडलाइट प्रोवाइड किया गया है। आपको देख पाएंगे अगर आप यहाँ पे तो उसके अगर साइड्स में आएंगे तो आपको ये रिफ्लेक्टर वाले ही आपको ये ब्लिंकर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये LED में प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इसके नीचे अगर आप यहाँ तो चीन माउंट में आपको ये DRL प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इसके नीचे आप देख पाएंगे तो काफ़ी एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करता है आपको ये पूरी बाइक को ये। सो इसके नीचे अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको ये नंबर प्लेट माउंट आपको प्रोवाइड किया गया है। सर साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर साइड में न्यू चेंजेस मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अप्स एंड डाउन सस्पेंशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं नए वाले में, जो कि आपको काफ़ी चंकी से सस्पेंशन प्रोवाइड किए गए हैं। सो एंड सेकंड चीज डुअल चैनल ABS अब आपको फ्रंट एंड एज वेल एज दोनों टायर्स में आपको सेम ABS फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है। ABS की रिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं और सेम एज वेल यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की। बात करें अगर उसके और नीचे से तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार का ये टेक्सचर प्रोवाइड किया गया है, जिसकी क्वालिटी आप फील कर सकते हैं। सर अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कुछ इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे ये कुछ कट्स वगैरह दिए गए हैं, बट फिट एंड फिनिश अभी भी बजाज की वही है। एंड अगर फ्रंट टायर की बात करें तो आपको यूरोपियन के टायर प्रोवाइड किए गए हैं। यूरोपियन में ये आपको 100x80 सेक्शंस के फ्रंट टायर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आपको ये फ्रंट टायर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये ग्रीन मेगा के आपको कैलिपर्स प्रोवाइड किए गए हैं आपको। साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये 3D में पल्सर का लोगो प्रोवाइड किया गया है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो एक्चुअली पूरी बाइक आपको ये रेड एंड वाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में आपको ये पूरा बाइक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ये पॉल वाइट समथिंग रेड देन आपको पूरा ग्रेफाइट कलर का आपको प्रोवाइड किया गया है सारा। स्टेप अप सीट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो पहले भी आपको प्रोवाइड किए गए थे। देन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आपको फ्यूल इंजेक्शन का आपको ये स्टिकर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको ये पैनल गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, ये काफ़ी स्टडी फील हो रहा है। इसके नीचे अगर अभी आप आते हैं तो यहाँ आपको एक रबरिश सा पैड प्रोवाइड किया गया है, यहाँ अगर आपके थाई वगैरह सपोर्ट देने के लिए। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यह आपका 199 cc का आपका लिक्विड कूल्ड इंजन GTSI, ये काफ़ी 24 PS का मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है ये। उसके नीचे अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आपको ये कुछ इस प्रकार का इंजन काउल प्रोवाइड किया गया है। इसके ऊपर भी वाइट एंड रेड कलर का स्टिकरिंग किया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने से। साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के स्टेनलेस स्टील के ही आपको ये कुछ फूड पैक्स प्रोवाइड किए गए हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको रबर की पैडिंग दी गई है, बट अगर रेयर वाले देखेंगे तो यहाँ आपको स्टेनलेस स्टील प्योर पूरा दिया गया है। उसके नीचे अगर आप साइड में आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि मोनोस्कोप सस्पेंशन प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बाइक के राइड को काफ़ी कम्फर्टेबल बनाएंगे। जो इसके नीचे अगर आप यहाँ साइड से देखिए तो यहाँ पर कुछ कार्बन फाइबर शॉर्ट ऑफ फिनिश में आपको ये टायर हगर प्रोवाइड किया गया है दो साइड से, एक आधा यहाँ पर आधा, जो काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है इस पूरे बाइक को। उसके नीचे अगर आप साइड में देखेंगे तो ये रेयर टायर की अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो रेयर टायर की प्रोफाइल है आपकी, दिखा देता हूँ मैं आपको दूसरे साइड से। रेयर टायर अगर आपको दिखाऊँ तो रेयर टायर की बात करें तो 130x70 R17 ये सेक्शन का टायर प्रोवाइड किया गया है आपको। उसके बाद अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ओपन चेन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि हर 500 किलोमीटर्स पे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वो कुछ बेसिक सा साड़ी गार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसके नीचे अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है आपको कितना प्रेशर रखना है आपने। उसके बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो बैक में तो आपको ये NS 200 का लोगो प्रोवाइड किया गया है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने से। यह आपको ग्रैब रेल्स भी कुछ इसी प्रकार के ये 2 pieces में प्रोवाइड किए गए हैं। साइड में अगर आप इसके नीचे अगर देखते हैं तो ये आपको कुछ इस प्रकार की बैकलाइट प्रोवाइड की गई है इस बाइक की, जो कि
सेक्शंस में है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये नंबर प्लेट का भी लाइट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे साइड में देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह ब्लिंकर्स वगैरह सेम वही जैसे पुराने में थे सेम वही वाले ब्लिंकर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उसके नीचे अगर मैं आपको यहाँ पे आ जाऊँ फ्रंट में, तो फ्रंट में अगर दिखाऊँ तो आपको ये 6-speed गियर बॉक्स प्रोवाइड किया गया है जो कि 70 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है और 24 PS का पावर प्रोवाइड करता है आपको ये बाइक। लिक्विड कूल्ड होने की वजह से ये बाइक काफ़ी जल्दी कूल हो जाता है और इसके नीचे अगर आप यहाँ साइड से देखिएगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार से चंकी रेडिएटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें कुछ इस प्रकार की ये रेडिएटर दिखाया गया है। यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। उधर आप देखेंगे तो कूलेंट का बॉक्स दिया गया है। सो ये इसका चेन लाइट जो मैं बता रहा था आपको। सामने से बात करूँ तो कुछ इस प्रकार की आपको ये पूरी बाइक प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले की बात कर लेता हूँ तो इस प्रकार की आपको ये कुछ वेव की प्रोवाइड की गई है नए वाले पल्सर में। बाकी यहाँ पे आपको ये बजाज का लोगो, फ्यूल मीटर, ABS चेकअप लाइट, RPM मीटर, फ्यूल इंडिकेटर, जो भी गियर पोजीशन इंडिकेटर, किलोमीटर आवर सब कुछ आपको ये प्रोवाइड किया गया है। ओडोमीटर्स वगैरह साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार की ये प्रोवाइड किए गए हैं। ये आप लाइट्स वगैरह के इंडिकेटर्स वगैरह के बटन्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, अगर इसके लुकिंग मिरर्स की बात करें तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है ये दोनों साइड से, तो ये काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है बाइक को। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया गया है जो कि E20 एथेनॉल सपोर्ट के साथ है ये। अब आप इसमें E20 एथेनॉल भी डाल पाएंगे। और अगर यहाँ दिखाऊँ तो मैं आपको ये मोड्स के लिए, आपको मीटर के मोड्स जितने भी हैं उसके लिए आपको ये दो बटन्स दिए गए हैं कि अगर आपको मोड्स वगैरह चेंज करना होगा तो सारे दिए गए हैं यहीं पे। सो अगर इसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहीं पे आपको ये रबर का पैड दिया गया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो, कि अगर आप जब आप लीन होकर चलाएंगे तो आपके सपोर्ट आपको बना रहेगा। काफ़ी अच्छा पेंट फिनिश प्रोवाइड किया गया है इस बाइक के ऊपर। बताइए मुझे आपको ये बाइक कैसा लग रहा है। इससे पहले मैं आपको इसे एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। बताइएगा कैसा आपको लगा ये इसका एग्जॉस्ट नोट और पूरी बाइक आपको। सो मिलते हैं जब तक के लिए किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके प्राइस की बात करूँ तो 1,83,000 अभी आपको ये कैश प्राइस। और अरुण भाई कितना पड़ रहा है आपको ये अभी एक शोरूम 1,51,000 अभी आपको एक शोरूम प्रोवाइड कर रहा है। डिपेंड अपॉन योर सिटी वेरी करता है ये। अगर आप गया से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप शक्ति बाजार में आ सकते हैं। चलिए जब तक के लिए धन्यवाद, शबा खैर।